किसी पर आरोप लगाना और भाग जाना, राहुल गांधी ने ये काम जमकर किया, खास तौर से पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी पर आरोप लगाने के चक्कर में 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया और यह बयान उनके गले की फांस बन गया। अब अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने 4 साल बाद इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए। राहुल इस मामले में पिछली बार 2021 में सूरत कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवाया था। और राहुल गांधी के वकील किरीट पनवाला के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक के वकील ने कोर्ट में बताया था कि गांधी के कुलार भाषण वाली सीडी और पेन ड्राइव से साबित होता है कि कांग्रेस सांसद ने वास्तव में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी और उनके बयानों ने समुदाय को बदनाम किया। राहुल गांधी के वकील का तर्क था, ये पूरी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, न कि विधायक पूर्णेश मोदी को, क्योंकि गांधी के भाषण में मुख्य लक्ष्य पीएम मोदी थे। कोर्ट के फैसले के पहले गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो भी फैसला दे हम उसका सम्मान करेंगे, हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन देंगे। इस तरह के मामलों से कांग्रेस को डराया नहीं जा सकता। The report, News of India.